बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फरी लाइफ गोज़ ऑन। ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर हूँ। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि गवर्नमेंट ने 10 से 16 मई तक ईद की तातीलात की सिफारिश की है और जगह जगह रास्ते बंद किए हुए हैं कराची में भी, क्योंकि कोविड 19 एक्सट्रीमली स्प्रेड आउट है। लोग SOPs को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे, ये आप देख लीजिए। बाज़ारों में बेइंतहा रश है। गवर्नमेंट बार बार रिक्वेस्ट कर रही है कि आप लोग ईद की शॉपिंग आखिरी दिनों में ना करें, बराए मेहरबानी और SOPs के साथ शॉपिंग करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो रहा है। और पाकिस्तान में 9.61 इसकी रेट है कोविड-19 की। सो प्लीज़ आप लोग ख्याल करें, क्योंकि इंडिया में देख लें, हमारा नेबरिंग कंट्री है, कितनी खौफनाक सिचुएशन है, बहुत ही डेंजरस हालात हैं वहाँ के। आप फिर भी उनसे हम सबक नहीं सीख रहे, और हम लोग ये नहीं सोचते कि शॉपिंग तो जब होगी जब जान होगी। पहले आप अपनी आप को सेफ कीजिए, SOPs को फॉलो करें, नेबरिंग कंट्रीज से सबक सीखें कि इस वक्त वो बेचारे किस मुसीबत में मुब्तला हैं। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे। और स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।